सो है गाइस, बिग बॉस घर में चल रहा है फैमिली वीक, जहाँ पर मनीषा रानी के फादर आए हुए और थे। दोस्तों मनीषा रानी के फादर ने आते ही बिग बॉस के घर में बहुत सारे राज खोल दिए। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस के मेकर्स एंड सलमान खान जिस तरह से एल्वेज अभिषेक और मनीषा रानी को जिस तरह से टारगेट कर रहे थे, ऐसा दिखा रहे थे कि तुमको जनता सपोर्ट नहीं कर रही है, तुम गलत कर रहे हो। यहाँ पर मनीषा रानी के फादर ने बिग बॉस वालों को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। अब दोस्तों हुआ क्या, चलो मैं आपको पूरी तरह से बताता हूँ। दोस्तों हुआ क्या, मनीषा और मनीषा रानी के फादर एल्वेज और अभिषेक एक टेबल पर बैठे हुए और वो तीनों बात कर रहे थे कि हम क्या गलत कर रहे हैं। वो बात कर रहे थे कि क्या हम तीनों बाहर बुरी तो नहीं दिख रहे। तो वहाँ पर उनके फादर ने कहा कि तुम ही तीनों सबसे बेस्ट दिख रहे हो। फिर वहाँ पर मनीषा ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि कौन जीत सकता है। तो वहाँ पर कहा कि तुम तीनों में से कोई एक विनर होगा, ज्यादा चांस अभिषेक के लग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मनीषा के पापा ने यहाँ पर बता दिया कि जीतने का चांस तुम तीनों के ही है, तुम लोग टॉप में चल रहे हो और जनता तुम तीनों को ही सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर बिग बॉस वालों ने एल्वेज यादव, फुकरा इंसान एंड मनीषा रानी के खिलाफ ना जाने क्या क्या चाल चल रहे, तीनों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर मनीषा रानी के फादर ने यहाँ पर आकर सब कुछ क्लियर कर दिया है कि तुम लोग जो गेम खेल रहे हो बिल्कुल सही खेल रहे हो, तुम्हें से ही कोई एक विनर होगा। फिलहाल दोस्तों मनीषा रानी के फादर चले गए और एंट्री हुई है अभिषेक की माँ। जैसे ही वो बिग बॉस से जाती है मैं आपको वीडियो बनाकर पूरी तरह से बता दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड इसी तरह के अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा